हमरा तो पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चातापी जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साय पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या, कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की यह हालत हो रखी है, शर्म आनी चाहिए आप। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए। 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 1,00,000 सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया, सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए, 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट एक महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था, ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे। और इलेक्शन हो भी गया, 55 करोड़ लोग वोट भी दिए, अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 5,500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 5,500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप काहे लिए हम लोग से पैसा मांग लिए, स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग, इतने दिन का पैसा आप कहां का कर रहे हैं, आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं। आप सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए, ये वाली भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। 2018 की सीजल की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई 2018 में आया, बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को, बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को, आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पर 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पर लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1,00,000 वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है, ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं,
₹500 फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि ₹500 हमको फीस दे दो और ₹100 केवल एग्जाम फीस है, ₹400 सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे, एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद, आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी, आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है, 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8,500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000, मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम, और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, हमको नौकरी चाहिए बोलने के लिए। मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है, दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है और मीडिया उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तुम है, कोरोना तो सभी के साथ हुआ है और दूसरे देशों में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, पर वो तो उभर जाएंगे, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमको कोरोना से नहीं उभार पाएगी कभी भी। 2,35,000 करोड़ का तो लोन लेने वाले राज्य, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो काम चल रहे सरकारी, वो चलते रहें स्मूथली, चलते हुए काम को कंटिन्यूस रखने के लिए इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है। और तुम ये बताओ कि सरकार इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कैसे नए लोगों को रिक्रूट करेगी और कैसे उन पे इन्वेस्ट करेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग करा के उनको काबिल बना के तब तनख्वाह देगी, उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप जेई नीट का पेपर तो बड़ा अच्छा करा ले रहे हो, हैं, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। जिनसे जिनमें सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, नौकरी देना पड़ रही है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अटके पड़े, 3 साल तो मिनिमम टाइम है, 7-8 साल से लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है, वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए। इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूं, इच्छा आपकी है, एक साथ अगर 1 करोड़ लोग विद्रोह करेंगे ना, डेली ट्विटर पे आग लग जाएगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। एमसी पे बच गया इतना भयानक, तो भाई जब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है सब। ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी लिया दो, क्या मतलब बनता है सीईटी लिया को, सीईटी लियाओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ वहां पर, ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए, भाई साहब जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो, या आप सैलरी, इन लोग को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली है। एग्जाम 5 साल जाए या 10 साल जाए या नहीं हो, कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं बनने वाला है। इन लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी बीच में इन लोग को आप कुछ पूछिए, इन लोग को अभी कोरोना चल रहा है भाई साहब, कोरोना के बीच में क्या, कोरोना के बीच में सारा काम रुक गया, कोरोना के बीच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन वाले काम हो गए सब। यहां पे लड़के
में ये प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेई वाले नीट वाले कि भाई साहब हम लोग को क्यों जान लेना चाह रहे हैं, आप कोरोना के बाद एग्जाम ले लीजिएगा। नहीं, कोरोना के बीच में ही लेंगे, कोरोना तो चलता रहेगा। तो भाई साहब आप रिजल्ट भी दे दीजिए ना, कोरोना चलता रहेगा। इसमें इन लोग की सबको कोरोना दिखता है, जब रिजल्ट की बारी आ जाती है तब। हमारी मीडिया का तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए, देखिए आप देखिए सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके एक हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहां सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा है, विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नहीं टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब नहीं है इन लोग को। देखिए युवाओं में जो एक गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा। वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 3.5 लाख डिसलाइक का। हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि इन्हें कमेंट ऑफ करना पड़ेगा, हालांकि मोदी जी के अक्सर वीडियोज में कमेंट ऑफ रहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के वीडियो पर 3.5 लाख डिसलाइक चले जाना, और मतलब लाइक से 10 गुना डिसलाइक जाना, ये क्या मतलब बना रहे? आप सड़क मूवी के ट्रेलर को पीछे करना चाह रहे हैं? अब समझ में आ रहा है आप लोग को? टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था। उन्होंने कहा था कि ये लाठी लेने वाला गांधी क्या करेगा, ये भगत सिंह क्या करेगा, खुदीराम बोस क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग, पता चल गया क्या कर लेंगे। तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि SSC रेलवे IBPS क्यों बर्बाद कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है? टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है? अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट, पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं, और स्टूडेंट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम स्टूडेंट, हमारे पास मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि सर आप भी कुछ करिए। एक्चुअली क्या था कि हम अनाथ आश्रम को लेकर थोड़ा सा बिजी थे, हम घर पे नहीं थे। आप लोग भी देखेंगे स्टूडियो हम घर पे नहीं बना रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं, थोड़ा अनाथ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम आए, वहां आए लड़कों को देखे। हम टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, मराठी आप सोइए मत, कहां गए आप लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जुनून आप दिखाइए इसमें, राजस्थान के राजपूतों उठो, याद करो अपना इतिहास एक बार फिर, क्रांति की जरूरत होती है। हरियाणा के जाटों को कहते हैं, जिस समय आपको आरक्षण लेना था पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोगों ने सरकार के ऊपर चढ़ के अपनी बात मनवा ली, आज वो वक्त आ गया। आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर, जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहेगी? हर जगह से राज, एक एक राज्य को, यूपी बिहार आप लोग वालों के लिए तो या तो नौकरी करो या तो खेती करो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट की बात उठाइए, क्योंकि जब हर स्टेट से बात उठेगी तब समझ में आएगा कि नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। किसी एक जगह से अगर बात उठने लगेगी तो फिर इसे गवर्नमेंट कहेगी ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, ये किसी विपक्ष ने चालू किया होगा। लेकिन हर जगह से बात उठेगी। आप बताइए ना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो आपको टाइम से जॉब दे देता है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर, यूपी, बिहार, झारखंड, सबका तो यही हाल है, बंगाल से लेकर कहीं भी। किसको आप सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बर्बाद करते रहेंगे सब। अगर आप गलती से बोल दिए ना हमें जॉब चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए भाई साहब, उनका कितना बड़ा सपना होता है 30-40 हज़ार की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30-40 हज़ार की नौकरी में खुश हो जाएगा, बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2014 से लेकर 2020 के बीच में अगर आप 6 साल के बीच में देखेंगे तो 12 करोड़ नौकरी देना चाहिए। हमको क्या लगता है गवर्नमेंट खुद नहीं कह सकती हम 12 करोड़ नौकरी दिए हैं? अगर गवर्नमेंट कहेगी ना अपने पुराना डाटा के हिसाब से कि हमने 2 करोड़ का वादा किया था, अगर केवल ये बात बोल देंगे ना तो इससे भयानक डिसलाइक चला जाएगा। अब हम क्या, भाई साहब जनसंख्या, हम मानते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को किसने मना किया कि आप जनसंख्या
मिनट का कानून मत लाइए, दो मिनट में 370 हट जाता है। जीएसटी जिसे कांग्रेस परेशान हो जाती है लागू कराते कराते, एक झटके में मोदी जी लागू कर देते हैं। नोटबंदी जैसे चीज पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, रातों रात नोट बदल जाता है। लेकिन आपको अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है, रातों रात नियम लगाइए कि दो से ज्यादा नहीं हो सकते। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995-2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं, इनकी समस्या नहीं है। हाँ, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कौन रोका है आपको? आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2-3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है, वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा। जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पर नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना, तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पर उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहां पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए, दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितने भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहां पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद ये इसका सर घुमाना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है। यहां पर इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहां जाएगा? और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है कि कोरोना जैसे आपातकाल में एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था, इसीलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया, जिनकी सरकारी थी कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं एसएससी रेलवे, ये क्या है? लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद होते हैं। गवर्नमेंट किस तरह से सोई है आप सोचिए। लड़कों का रूम रेंट बेचारे जो दिल्ली में, कोटा में, पटना में, लखनऊ में, इलाहाबाद जहां जहां पढ़ रहे थे, बेचारों का 30,000 रुपया रेंट हो गया है। गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं है। भाई साहब, हम तो मकान मालिकों से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के आप भी थोड़ा सा इंसानियत के रूप में देखिए। हमारे पास लड़कों का कॉल आता है कि सर हम क्या करें, मेरा 30,000 रुपया रूम रेंट हो गया है, रूम के अंदर 5,000 का सामान है, सामान लेने जाएंगे 5,000 का तो 30,000 का रूम रेंट हो जाएगा, इसलिए हमने सामान छोड़ दिया कि भाई साहब रख लो। ये बताइए, एक लड़के से मजबूरी ने अपराध करा दिया, जो विद्यार्थी को आप कभी नहीं कह सकते कि विद्यार्थी बेईमान होता है, विद्यार्थी कभी चोर होता है, लेकिन मजबूरी में उसे आपने डाका डालने के लिए मजबूर कर दिया। क्या करेगा वो स्टूडेंट? कभी सोचा है कि इन स्टूडेंट के बारे में? एक स्टूडेंट के बारे में कहां से वो रूम रेंट देंगे? बेचारे किसान के घर के लड़के, मीडियम फैमिली के लड़के घर जाते हैं पढ़ने के लिए, जो लड़के भाग के आए हैं होली की छुट्टी में आए थे, उनका सारा नोट्स वगैरह वहीं पे है, इसकी कोई चिंता नहीं है। लड़के कोटा में तैयारी करने वाले लड़कों का सारा नोट्स वहीं पे है, और यहां एग्जाम ले लो, कौन सी यहां चुनाव लड़ना है कि कुछ बोल दो, यहां पर एग्जाम की तैयारी करनी है, बेचारों का नोट्स वहां है, रूम रेंट से परेशान है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों का दिक्कत है, अगर रूम रेंट के लिए करेंगे तो वोट ना चला जाएगा यार, स्टूडेंट को गोली मारो, इनको कौन पूछता है, तो भूल जाएंगे 10 मिनट में ये ले लिया। ऐसा नहीं होगा, अब स्टूडेंट भी बदल गया है। हमसे लड़का कहता है कि सर आप बोलते हैं एप्लीकेशन लाएंगे, क्यों नहीं ला रहे हैं? लड़का कमेंट करता है कि सर आप वैसे ही एप्लीकेशन के बारे में बहाना बनाते हैं जैसे नेता बहाना बनाते हैं। मतलब लड़कों को भी पता है कि खान सर का जो एप्लीकेशन लाने में लेट हुआ, ऐसा लक्षण नेताओं में होता है। सोचिए, एक ब्रांड बन गया कि अगर कोई अपने वादे से मुकरता है तो कहो नेता है क्या रे तुम। ये हाल हो गया। हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी टीचर को देखिए, कोई टीचर चुप नहीं होगा। आप भले कुछ भी कहिए, एंटी नेशनल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग को नक्सलाइट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़कों को रोजगार दीजिए, और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। आप समझिए, हर टीचर कोई मजबूरी में आया है, कोई टीचर को शौक नहीं लगाता है कि गला फाड़े, उसको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिला रहता है। सो लड़का हमको कहता है सर एप्लीकेशन ला। यार क्या एप्लीकेशन ला यार, क्या पढ़ाएंगे? खुद का मनोबल गिर जाता है, पढ़ा के क्या करेंगे, रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो खुद से अंदर से इच्छा नहीं होती है किसी टीचर की जाके पढ़ाए। आज देखिएगा टीचरों को, हर स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप अपने टीचरों को देखिएगा, आप जहां भी पढ़ते उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगा। एक लड़का कहीं पूछने देखिए, सर पढ़ा तो रहे हैं ठीक है, टाइम से सिलेबस भी खत्म होगा, एग्जाम होगा कि नहीं, क्या जवाब देंगे? लड़का बड़ा उम्मीद से पूछता है कि सर के पास पहुंच होगा, सर को पता होगा एग्जाम कब लोगे, क्या पता है हम लोग को कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप सब लोग जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां भी हैं, वहां इस पे आग लगा दीजिए, अपनी फोटो के साथ एकदम इसका ट्रेंड कर दीजिए। आप अगर फेसबुक पे हैं, अपने व्हाट्सएप के डीपी पे, हर जगह लगाइए भाई जस्टिस फॉर स्टूडेंट, हर जगह आप इसको फैलाइए। आप जिस हिसाब से भी काम कर
रहे हैं। अगर आप देखेंगे ट्विटर पे, तो ट्विटर पे आप हैशटैग इसको ट्रेंड कीजिए, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, इसको हैशटैग में ट्रेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कीजिए, ताकि सरकार तक इसकी आवाज पहुंचे। और इस सितंबर में, शिक्षक दिवस का ये महीना आता है सितंबर में, हर सोशल मीडिया पर एकदम वैसे ही वायरल कर दीजिए इस चीज को, जिस तरह से विनोद वायरल हुआ था। फालतू का विनोद वायरल हो गया था, लेकिन स्टूडेंट के लिए वायरल होने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर सोए रहेंगे ना तो यही होगा, आपको कमेंट करके कुछ लोग बताएंगे कि तुम चुप रहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहा है। आप उनसे मत घबराइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 20 जगह कमेंट कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 20 जगह लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकता है। तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत बड़का कोरोना के बीच में जॉब लेने वाला हुआ है। भाई कोरोना के बीच में हम क्या करें, हमको नया वैकेंसी थोड़ी चाहिए। भाई नया वैकेंसी आप कोरोना बाद निकालिएगा, हम कहां करें। कम से कम जो पुरानी वैकेंसी है उनका रिजल्ट तो दे दीजिए, क्या होगा। अब बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, कहीं भी देखिए, बिहार में तो गजब समस्या। पीर पूछला भी दरोगा का क्लियर ही नहीं हुआ, अगला दरोगा आ गया। पता चला जो पिछले बैठा था वो भी अब इसमें भरेगा, पता चला पीछे वाले में रिजल्ट हो गया, इसमें भी रिजल्ट हो गया, तो एक तो फालतू सीट लेके किया। हम अभी थोड़ी देर पहले बैंक में गए थे, वो थोड़ा सा अनाथ आश्रम के लिए पेमेंट वगैरह करना था, तो वहां पे हम गए ना, तो पूछे लोग बैंक वाले, खान साहब कुछ वो चल रहा है ट्विटर पे सरकार के खिलाफ। हम कहे हाँ वैकेंसी वाला, तो कह रहे हाँ वो रेलवे वाला क्या और वो एसएससी वाला, उसका तो हम भी फॉर्म भरे थे। अब सोचो भाई वो लोग भी फॉर्म भर के भरे। हर जगह ये समस्या है, किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मांग है। इसे आप राजनीतिक मत समझे, सरकार दे दे, हम लोग सरकार का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उस तरह सरकार का समर्थन करने के लिए भी आ जाएंगे कि हाँ भैया आपने हमारी बात को मान ली थी। स्टूडेंट्स की ओर से हम ये एसएससी रेलवे इन सब को एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना भड़ास हम लोग के पास निकालते हैं सर। हम लोग का जितना भी मैसेज में मैसेज, अब इतना मैसेज आ गया कि मोबाइल की कैपेसिटी खत्म हो रही है, इतना मैसेज का जवाब आदमी कहां से देगा। सबका एक ही बात है सर, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, जो एग्जाम है उनका डेट कब आएगा, नकल कब रुकेगी, ये सब के लिए आप बात उठाइए, वरना कोरोना के बाद जो एक भीड़, एक आग उबल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, उसे रोक नहीं पाएगा कोई। आप ऐसे देखिए कि शिक्षक हिंदुस्तान का, आप छोटा या बड़ा कोई शिक्षक देखिए जो आज बगावत के लिए नहीं खड़ा है। तब ऐसे स्टूडेंट, आप किसी कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है जिसको कुछ नहीं पता, तो समझ में आता है कि चलो ये किसी के सिखाने में बगावत कर रहा है। कोई शिक्षक ऐसे पागल नहीं हुआ जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको बगावत करेगा। स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि आप हम लोग की शक्ति है, आप धीमे मत पड़िएगा। जो भी सोशल मीडिया है, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कीजिए ताकि ट्विटर पागल हो जाए, यूट्यूब पर जिस तरह से मोदी जी को समझ में आ गया, ट्विटर पर भी समझ में आ जाए। कहीं ना कहीं हमको तो यह लगता है कि मोदी जी इतने समझदार है, ऐसा बेवकूफी क्यों कर रहे हैं। कोई ना कोई है जो बीच में उनको यह सब चीजें पहुंचने नहीं दे रहा, वरना उनको क्या शौक लगा है किसी को बेरोजगार घुमाने का। और अगर ऐसा है तो भाई बीच वाला जो है उसको देखिए, वरना कौन आदमी दोष किसको देगा। अच्छाई होती है तो उन्हीं को कहेगा, गलत होगा तो उन्हीं को कहेगा। हम लोग भी अपनी आवाज दबने नहीं हो देंगे, और आप स्टूडेंट्स लोग के भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आवाज को दबने मत दीजिए। आप अपने गार्जियन, गली, मोहल्ला, हर जगह पहुंचा दीजिए इस चीज को कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही हमें सरकार से कोई विपत्ति है। हम लोग को ये राजनीतिक नहीं है, ये हम लोग विद्यार्थियों की समस्या को उजागर करने के लिए आपके सामने लाए हैं। हम लोग की बातें अगर आपको तकलीफ लगती है तो भाई हम इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं, आप जो भी कमेंट करें, जो भी हैशटैग चलाएं, उसमें दो चीजों का ध्यान दें, कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम ना करें और अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। आप एकदम अहिंसक रूप से, एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। सफलता एक दिन में भले ना मिले, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी, और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे, ये वादा है। अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मिलेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो, अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1,00,000 रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है,
लेकिन बेरोजगारी, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा, उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है, तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एडुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए हैं। मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, करने वाला हूं, जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो क्षमा चाहते हैं, अब परेशानी हो ये तो क्या कर लीजिएगा, हमको इतना ही कर दीजिएगा, कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, रेलवे का फॉर्म भरता है जिसमें 500-500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है, 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए, अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का, 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500-500 रुपया लेके, अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100-100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे हैं भाई, गरीब आदमी है, जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1,00,000 रुपए हम पीएम केयर फंड में दिए थे, काहे जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़िएगा ना, तो कोरोना से लड़ाई लड़िएगा तो देश हित में ही पैसा जाएगा, ये पैसा से जब वैक्सीन बन के आएगा या हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सीन पर, तो खर्च पड़ेगा, खर्च लगेगा, तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया 11 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 1 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका, पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था। और याद रखिएगा कि यह युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, भैया तख्ता पलट जाएगा, ये बात पक्का सुन लीजिए, कहे कि आज हम दिल से बात कर रहे, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए, 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए, हमारा तो पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चातापी जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहां, याद रखिएगा। ये पूरे देश, पूरा देश में अब बवाल होने वाला है, अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। यहां पर आप नहीं, आपको पता चले तो जिन लोगों को बुरा लगता होगा सर्च कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,00,000 रुपए का योगदान दिया, मैथ मस्ती लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा, मैथ मस्ती लिखिएगा, जरूर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारा घर भी करकट का है और फिर भी अकाउंट में 1,23,000 था, 1,00,000 रुपया डोनेट किए थे ताकि हमारे देश में खुशहाली आए और इस कोरोना वायरस से हमारा देश लड़े। ए भाई, वो बच्चा के पैसा दिया हुआ है जो हम पढ़ाते हैं ना, वो वीडियो देखता है ना, वो व्यू होता है, उसे पैसा आता है, वो पैसा हम आपको दिए थे, ए पाप लगेगा ना, तो तनी ध्यान दीजिए यहां पर। ए देखिए, कहते हैं कथी कि स्थानीय खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाइए, खिलौना तो हम बनल है, जैसे मन होता है आप खेल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोग वही कर रहा है, अब हम कौन खिलौना बने, खिलौना तो जनता बन चुका है आप लोगों का, यह हमारे मोदी जी थे, आई हमारे नीतीश बाबू हैं, इनका चाल सुनिएगा, इनका चाल क्या है, अभी जब चुनाव आने वाला है तो बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे, बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे तो भारी संख्या में एग्जामे को करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, अब एग्जाम दे के लड़का फसल है कि अगर नीतीश जी नहीं आते हैं तो फिर आगे रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई बवाल, चूंकि बिहार में कोई एग्जाम जो है ये ना है कि साफ सुथरा से हो, आप देख रहे हैं बिहार एसएससी का एग्जाम कितना साल में हुआ है, आदमी बुढ़ा गया, जवानी में दिया था एग्जाम और रिजल्ट आते थे बुढ़ा जाएगा, अब चूंकि बिहार में एग्जाम ऐसी होता है तो ये क्या होगा कि रिजल्ट होगा चुनाव के बाद, मजबूरन
फिर नीतीश कुमार जी को चुनेंगे, शिक्षक के बहाली आ जाएगा, बिहार पुलिस के बहाली आ जाएगा, सारे बहाली, दरोगा सब के बहाली आएगा। ये कब होगा? चुनाव के टाइम में भैया। तो नीतीश जी का जो ये था, इसमें इन्होंने कहा कि नल जल का रख रखाव करने के लिए बाडों को 2,000 रुपया मिलेगा। हे प्रभु, ये 2,000 कहला दे रहे, नल जल के दशा दिखा दें। 33,000 करोड़ रुपया आपने बिहार में नल जल पर खर्चा कर दिया। आज आपको असलियत हम दिखाते हैं, इस वीडियो में देखिएगा आप लोग जरूर, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि हमारे जहां से हम हैं वहां की स्थिति आपको दिखा देते हैं कि नल जल का स्थिति क्या है। बेरोजगारी, बेरोजगारी तो भैया आपने ऐसी पहुंचा दिया है यहां पर कि लोग अब कुछ करने लायक नहीं है। आप अगर आत्मनिर्भर बनाना था, खिलौना बनाना ही था, कहला पढ़वा रहे, शुरू से खिलौने बनवाते, कहला 500-500 रुपया लेके फॉर्म भरवा लिए और 2 साल में 9 अरब आप ब्याज कमा लिए। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु इस पर कोई उपाय कीजिए, वरना आपकी तख्ता पलट जाएगी। और सारे विद्यार्थी, जितने भी छात्र हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर हो, और सारे एडुकेशन चैनल वाले जितने भी है, चूंकि आपके मीडिया नहीं दिखाएगा, विद्यार्थी का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है, वो वही चीज दिखाएगा जो सरकार चाहती है। हमारे सारे भाई बंधु जितने भी वाईफाई स्टडी एग्जामपुर है, अभिनव शर्मा है, राकेश यादव सर है, जितने भी लोग हैं जो भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी को हाथ जोड़कर तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये विद्यार्थी, इस विद्यार्थी जो बेरोजगार है ना, उसी के वजह से हमारा रोजगार है, यही बात सच्चाई है। और इसीलिए हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। और जहां ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी सड़क पर उतर गया, तो सुन लीजिए, ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा, ये बात निश्चित है। एक साथ हम हैं, सबके साथ हैं, सारे छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं लेती है। एक तो आप वैकेंसी ही कम निकालते हैं, अब वैकेंसी कम निकालते हैं तो जो निकालते हैं ओकर तो कम से कम एग्जाम ले लीजिए, सही से रिजल्ट ले लीजिए, सही से रिजल्ट दीजिए और एग्जाम सही से ले लीजिए, टाइम से ले लीजिए, एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है कि इस महीने में होगा, इस महीने में रिजल्ट होगा, उसी तरह एसएससी का भी एग्जाम होना चाहिए, रेलवे का भी एग्जाम होना चाहिए, आपको जितने सीट पर लेना है, लेकिन इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने इस महीने में एग्जाम होगा, इस महीने में रिजल्ट आएगा, इस महीने तक ज्वाइनिंग होगा, ताकि अंधेरे में लोग ना जिए। हे प्रभु, ये पाप लगेगा अगर इस युवाओं के साथ, गरीब के बच्चा ना जनरल कंपटीशन के तैयारी करता है, आर्मी के तैयारी करता है, गरीब के बच्चा जाता है, कम से कम एकरा साथ इतना अन्याय ना कीजिए, ये पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने अपने सर पर जूता मारा है, अगर वोट मांगने मेरे एरिया में आइएगा, हम जूता मारेंगे आप लोग को, ये बात पक्का कह देते हैं। आई वीडियो शेयर होना चाहिए आप सबको इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप शेयर करिए, इस वीडियो को पहुंचाइए, जहां तक हो सके इसको पहुंचना चाहिए। और हर व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हल्ला बोल ये नारा लगाइए और सब लोग पहुंचाइए, सब लोग वीडियो बनाइए, जितने भी एडुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई मीडिया वाला आपको दिखाने वाला ये नहीं है। और बस यही बात कहना चाहेंगे, और जल्दी आग के तरह इस वीडियो को फैलाइए, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि आप सब कुछ समझ ही रहे हैं।